हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फिर से एक नए से वीडियो में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो बजरंग किसान में आप सभी लोगों का दिल से स्वागत है। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट जाके सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं हर कैटेगरी का वीडियो सेंड करने वाला हूँ, आपको पहले पहुँच जाए। और मैं एक वीडियो आज ही आ गया होगा, आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। वो मैं ब्यूटी के लिए लाया हूँ, जो कोई नहीं बताएगा। बहुत ही अलग है, बहुत ही यूनिक टिप्स मैं बताने वाला हूँ, बहुत ही आपको यूजफुल होगा, बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, बात खत्म करते हैं। आज का वीडियो हम आया है, कॉमेंट आया था, उसी का आज वीडियो मैं बनाने वाला हूँ। कि एक कॉमेंट आया था कि मेरे पास लाल कपड़ा है, मतलब तो वही कपड़ा, मतलब लाल कपड़ा में बॉर्डर नहीं होता ब्लैक कलर का, वो बॉर्डर है उनके लाल कपड़े में, बॉर्डर हो गया है ब्लैक। तो वो उनका सवाल था कि क्या ये पहन के मैं पूजा कर सकता हूँ? हाँ, क्यों नहीं, क्यों कर सकती हैं। देखिए, मैं ये ही बोलूँगा, भगवान भाव देखते हैं, ठीक है ना। लेकिन हाँ, अगर मेरे से भी पूछेगा तो मैं दोनों बात बोलूँगा। अगर आपके पास लाल कपड़ा है तो पूरा लाल कपड़ा ही पहनो, अगर लाल कपड़ा में ब्लैक है तो वो भी चलेगा, अगर नहीं है तो कोई भी कपड़ा पहन सकते हो यार। भगवान भाव देखते हैं, कपड़ा नहीं देखते हैं। हाँ, अगर मंगलवार को आप कर रहे हो तो आप अगर वो लाल कपड़ा में ब्लैक है तो उसको हटा दो, दूसरा कलर का पहन लो, ब्लैक छोड़ के वो बॉर्डर वाला उसको भी हटा दो, दूसरा कपड़ा व्हाइट और ब्लैक, वो जो बॉर्डर वाला वो छोड़ के आप दूसरा कपड़ा पहन सकती हो ना। ऐसा नहीं है, भगवान भाव देखते हैं, आप कितने भाव से आप प्रभु का सेवा करते हैं वो देखते हैं। तो मैं इस बहुत दिनों से आया था, मतलब हो गया एक सप्ताह हो गया उस कमेंट आने को, तो वही सोच रहा था कि मैं आखिर जवाब क्या दूँ इसके ऊपर, जवाब मैं क्या दे सकता हूँ। हाँ, जहाँ तक मैं बोलूँगा तो लाल कपड़ा ही बेस्ट रहता है पहन के पूजा करने में, बहुत ही अच्छा रहता है। अगर लाल नहीं है तो पीला पहन सकती हैं, पीला नहीं तो ब्लू पहन सकती है, रेड, ऑब्वियसली रेड तो पहनना ही पहनना पड़ता है। लेकिन अगर रेड के अंदर ब्लैक अगर आ रहा है तो उसको छोड़ दीजिए, दूसरा कलर का कपड़ा भी पहन सकते हैं, उसमें क्यों है कि लाल ही कपड़ा पहनना, ऐसा कुछ नहीं है। भगवान भाव देखते हैं, भगवान प्यार देखते हैं, आप कितने भाव से, आप कितने श्रद्धा से पूजा कर रही हैं वो देखते हैं, कपड़ा नहीं देखते हैं। हाँ, प्रॉपर अगर ब्लैक है तो वो मैं बोलूँगा अवॉइड कीजिए, मत पहनिए। अगर बॉर्डर में भी ब्लैक है तो उसको भी हटा दीजिए, दूसरा, अगर कन्फ्यूजन हो रहा था दूसरा कपड़ा पहन लीजिए ना। हाँ, वाइट नहीं रहना चाहिए, दूसरा कपड़ा पहन लीजिए, वाइट भी पहन सकती है, ऐसा बात नहीं है, ठीक है ना, वाइट भी पहन सकती है। प्रभु भाव देखते हैं, आप लोग ये सब छोटी छोटी बातों को पर ध्यान नहीं देना है। अगर आपको वही पहनना है तो वो भी पहन सकती हैं, क्योंकि लाल है थोड़ा सा ब्लैक है, उससे प्रभु नाराज थोड़ी हो जाएंगे, नाराज उससे नहीं होते प्रभु। नाराज आप किसी का निंदा करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, गलत चेष्टा करते हैं, गलत भावना रखते हैं, इससे प्रभु नाराज होते हैं। ये सब छोटी छोटी बातों से प्रभु नाराज नहीं होंगे। हाँ, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप उसको छोड़ दीजिए, मत पहनिए ब्लैक। अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है दूसरा कपड़ा पहन लीजिए। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप लोग कुछ भी कोई भी कपड़ा पहन के पूजा कर सकते हैं। हाँ, मैं बोला हूँ कि जब अगर लाल कपड़ा हो, अगर पीला कपड़ा हो तो और भी ज़्यादा बेस्ट होगा, इसलिए मैं बोलता हूँ और भी ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छा माना जाता है। अगर नहीं है तो ऑप्शन में तो आप लोग तो कोई भी कपड़ा पहन सकते हो ना, आप उसके लिए थोड़ी आप जाओगे पर्सनली कपड़ा खरीदने के लिए, नहीं, ऑप्शन में आपके पास सिर्फ ब्लैक ही कपड़ा थोड़ी होगा, और भी कपड़े तो होंगे ना, तो वो कपड़ा पहन के पूजा कर लीजिए, इसमें क्या सी बड़ी बात है, वो कपड़ा पहन के पूजा कर लीजिए, हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पर व्रत त्यौहार में नहीं पूजा किया जाता है ब्लैक कलर का, जैसे कि बहुत बड़ा बड़ा पर्व होता है उसमें, मैं ये नहीं बोलूँगा कि उसमें आप ब्लैक कलर का इस्तेमाल नहीं कर सकती हैं, थोड़ा सा भी ब्लैक इस्तेमाल नहीं होता है व्रत त्यौहारों में, जहाँ तक मैं जानता हूँ। हाँ, लेकिन अगर हनुमान चालीसा का संकल्प ले रही हो, अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दीजिए उसको, दूसरा कलर का कपड़ा पहन लीजिए, ब्लैक ही पहनना जरूरी है, आपको बॉर्डर है तो पहनना जरूरी है, नहीं पहनना जो दूसरा भी पहन सकती है। कन्फ्यूजन क्लियर हो गया? अगर नहीं क्लियर हुआ है, कोई भी कन्फ्यूजन है, तो फिर से मेरे कमेंट में बोलिएगा, मैं उसका सवाल आंसर जरूर देने का कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, जय श्री राम, राधे राधे, हर हर महादेव। तो डू यू शेयर, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय बाय।